हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम, सभी का स्वागत है अपने हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम एक और बुरी खबर या फिर अच्छी खबर भी कह सकते हैं, जिनके लिए अच्छी खबर है वो देख सकते हैं और जिनके लिए बुरी खबर है वो भी इसे देख सकते हैं। क्योंकि जब भी मैंने इस लेवल की वैकेंसी की अपडेट दी है तो विद्यार्थियों का कमेंट बहुत बुरे आते हैं। इस वक्त भी आई होप कि आप सभी जानते हैं इसका रीज़न क्या है, ये तो आप ही जाने। क्योंकि जिस वैकेंसी की बात करूँ उसी के अंदर ये वाली वैकेंसी अपडेट कराई गई है। भारत के सभी राज्यों से या फिर भारत की मिनी रतन कंपनियाँ हैं उनके अंदर भी इसकी वैकेंसियाँ निकाली गई है, और इसमें बाकायदा कम समय में यानी कि 1 से 2 महीने में भी ज्वाइनिंग दी जा रही है। आखिरकार ऐसा क्यों, ये सवाल आप लोग जानते होंगे और इनके जवाब भी आप जानते होंगे। लेकिन मैं आज फिर से मैं आप लोगों को अपडेट कर रहा हूँ, और हो सके तो आप अगर करना चाहते हैं तो आवेदन कर सकते हैं, और जो इच्छुक उम्मीदवार हैं वो इन फॉर्म को भर सकते हैं, और अगर नहीं भर पा रहे, अच्छी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, वो कंटिन्यू अपनी तैयारी करें, फॉर्म ना भरें। यहाँ पे हम बात करें पावर जनरेट कंपनी लिमिटेड के बारे में। आपको लग रहा है इसको करने से हमें बेनिफिट होगा तो आप ज़रूर कीजिएगा। जिसमें MPPCL के भर्ती, डिप्लोमा, ITI और ग्रेजुएशन वाले विद्यार्थी अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल ऑनलाइन होगा। 209 यानी कि 200 प्लस में वैकेंसियाँ निकाली गई है, महिला पुरुष सभी इसमें आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, आवेदन का फॉर्म कैसे भरना है ये सारी डिटेल्स जानने के लिए प्लीज़ अंत तक बने रहिएगा। जो भी विद्यार्थी हैं, जो भी स्टूडेंट हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो ये खासकर उन विद्यार्थियों को शेयर कीजिएगा जो इसकी पर्पस से या फिर इसकी तैयारी करके या फिर ये करके आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप इसे उन विद्यार्थियों को शेयर कर सकते हैं। अब आगे हम बात करें, आज मैं दो अलग अलग वैकेंसियों की बात करूंगा। पहली वैकेंसी पावर ग्रेड की और दूसरी वैकेंसी एक और है अपने सामने जिसकी मैं बात करूं तो वो है, जिसका शाम को वीडियो आने वाला है, ये है पावर ग्रेड। इसमें भी अच्छी अपडेट है और इसमें भी करीबन 200 प्लस में पोस्ट हैं। इसमें भी वही ITI और डिप्लोमा ग्रेजुएशन वाले विद्यार्थी, पर इसमें थोड़ी सैलरी अच्छी है। इसमें 11,000, 12,000, 15,000 तक सैलरी इसमें अपडेट कराई गई है। तो ये बेसिक डिटेल है, इसकी हम शाम को बात करने वाले हैं, इसलिए अगर आपको इसका वीडियो देखना है तो कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसमें भी अच्छी पोस्ट हैं, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं MPPCL के तहत जो निकाली हुई वैकेंसी है उसकी हम बात करेंगे। यहाँ पे भी वही सेम कंडीशन है, ग्रेजुएशन, डिप्लोमा और ITI वाले विद्यार्थी। यहाँ पे क्वालिफिकेशन अलग है और पोस्ट भी अलग है, और उनकी पोस्ट के अनुसार, कैटेगरीज के अनुसार यहाँ पे पोस्ट भी अलग कराई गई है। आपको बता दें कि ये भारत के एक राज्य यानी कि मध्य प्रदेश राज्य से निकली हुई है। मध्य प्रदेश पावर जनरेट कंपनी लिमिटेड की बात हम कर रहे हैं। इसमें सिर्फ मध्य प्रदेश के ही स्टूडेंट आवेदन कर सकते हैं। इसका रीजन आप जानते हैं क्यों कर सकते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश राज्य ने अपने स्टूडेंट को ही वहीं पे गवर्नमेंट जॉब देने की तय किया, अदर राज्य के उनमें आवेदन नहीं कर सकते। तो ये बात पहले क्लियर कर लेनी जरूरी थी। अब हम बात करें इसके आवेदन के बारे में, आखिरकार वैकेंसी किस लेवल की निकली हुई है। आपको बता दें कि अप्रेंटिस की वैकेंसी यहाँ से निकली हुई है, जिसमें आपको टेक्नीशियन डिप्लोमा ITI अप्रेंटिस के लिए आवेदन करना होगा, जिसमें मध्य प्रदेश राज्य के शारीरिक अभ्यर्थी मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निकल कॉलेज औद्योगिक परीक्षण के तहत उत्तीर्ण अभ्यर्थी निम्नलिखित शाखाओं या ब्रांचों ट्रेड के अनुसार 1 वर्ष की अवधि के लिए आवेदन कर सकता है और इसे जमा करवा सकता है। इसमें बात की जाए ग्रेजुएशन वाले विद्यार्थियों की, तो यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पोस्ट हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पोस्ट हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा वाले विद्यार्थियों के लिए, ITI वाले विद्यार्थियों की हम बात करें तो यहाँ पे फीडर, वेल्डर, इलेक्ट्रिकल, मशीन, मैकेनिकल्स और सिविल्स और ट्रेनर, ये अलग अलग ट्रेड दी हुई है। और इनकी पोस्टों की बात की जाए तो जर्नल में 77 हैं और SC के अंदर करीबन, जर्नल के OBC के अंदर करीबन 77 हैं। और हम बात करें इसके अंदर SC की तो 38 के पास और ST की 31 के आसपास पोस्टें हैं, OBC की 26 के आसपास इसमें पोस्टें दी हुई है। तो इसी दौरान आप लोग इसमें आवेदन ऑनलाइन करवा सकते हैं। आपको आवेदन करने के लिए, जो उम्मीदवार आवेदन करेंगे उसके लिए इसमें दिया हुआ है कि नोटिस के अंदर उपयुक्त रिक्त केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी उम्मीदवार ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 16/8/2021 से पहले इस फॉर्म को भर सकते हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के जो विद्यार्थी हैं मध्य प्रदेश के निवासी, उनके लिए यहाँ पे परिवर्तन किया जा रहा है। इस वर्ष के समय समय इस समय होने वाले रिक्त भर्ती या विज्ञापन के आवेदन भर भी सकते हैं। आपको बता दें कि आप यहाँ पे अप्रेंटिस करते हुए
और जो भी आने वाली वैकेंसी हैं उनके लिए भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, यहाँ पे कंपनी ने ऐसा दावा किया है। इसी दौरान हम बात करें इसमें एप्लीकेशन फीस या फिर सिलेक्शन की बात की जाए तो यहाँ पर सिलेक्शन के बारे में भी अपडेट दी हुई है। ये काफ़ी अच्छा विज्ञापन जारी हुआ है जिसमें आप लोगों को आवेदन करने के लिए 500 रुपये एप्लीकेशन फीस देनी होगी, जबकि SC ST की डिग्री को यहाँ पे किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं देना होगा। आयु सीमा की बात करें 18 से 25 वर्ष तक का विद्यार्थी, रिजर्वेशन की बात करें तो 5 वर्ष और 10 वर्ष के रिजर्वेशन। इसी दौरान चयनित प्रक्रिया की बात की जाए तो दोस्तों जिसमें आप लोगों को विज्ञापन आवेदन में छटाई यानी कि मेरिट लिस्ट के अनुसार आपको चयनित किया जाएगा। आपको बता दें कि यहाँ पे किसी प्रकार का कोई एग्जाम नहीं होगा, तो उम्मीदवार आवेदन करेंगे, आवेदन में ट्रेड के अनुसार जो आपकी मेरिट जाएगी उसके तहत आपको यहाँ पे रखा जाएगा। इसी दौरान हम सैलरी की बात करें तो ITI वाले 1 वर्ष के विद्यार्थी को 77 रुप यानी कि 7,700 रुपये दिए जाएंगे। 2 वर्ष के जिनके पास ITI है उनको 8,500 रुपये दिया जाएगा, जबकि हम डिप्लोमा वाले विद्यार्थियों की बात करें तो यहाँ पे 8,000 रुपये, ग्रेजुएशन वाले विद्यार्थियों को 9,000 रुपये दिया जाएगा। भत्ते के लाभ की प्राप्ति नहीं होगी, किसी प्रकार का कोई भत्ता नहीं दिया जाएगा आपको। चिकित्सा माध्यम से आपको 40% तक जो आपका होगा, अन्य पिछड़ा वर्गों को यहाँ पे सुविधा भी दी जाएगी। तो दोस्तों ये इसका विवरण है, और आपको बता दें कि इसकी अप्रेंटिस वाली वेबसाइट पर आप जानते हैं अप्रेंटिस की वेबसाइट कौन सी है, तो उस पर जाइएगा, वहाँ से फॉर्म को फिल कीजिएगा और फिल करके सबमिट करवा सकते हैं। और अगस्त के लास्ट वीक तक आपको इनवाइट किया जाएगा और खास साथ ही आपको ज्वाइनिंग भी दी जाएगी। तो दोस्तों ये इसका विवरण है, आई होप कि सभी विद्यार्थियों को पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो यानी कि शाम को देखने वाले पावर ग्रिड की तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।